नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप मीणा डिजिटल लाइफ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने पेटीएम वॉलेट मनी से दुकान पर शॉपिंग कर सकते हैं या फिर कैसे क्यूआर कोड स्कैन करके आपको दुकान पे या शॉप पे पेमेंट करना है। पेटीएम वॉलेट में अगर आपने पैसे ऐड किए हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये शॉपिंग करनी पड़ेगी या रिचार्ज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। तो कैसे आप दुकान पे कैसे आपको ये यूज करना है, यानी कि दुकान पे कैसे पेमेंट करनी है पेटीएम वॉलेट से, सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे पेमेंट करनी है। सबसे पहले पेटीएम ओपन करना है आपको। उसके बाद में पे एंड सेंड पे क्लिक करना है। अभी जो अपडेटेड वर्जन है उसमें खाली पे का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है, उसमें पे एंड सेंड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और जो अपडेटेड वर्जन में सेंड टू बैंक का ऑप्शन आपको पासबुक में मिलेगा, और ओल्ड वर्जन में पे एंड सेंड में आपको बैंक टू ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको ओपन करना है आपको, और अपने आप आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और जो शॉपकीपर के वहाँ पे जो क्यूआर कोड रखा हुआ है उसको आपको स्कैन करना है उस कोड को, और ये स्कैन हो गया। अब आपको इसमें अमाउंट डालना है और डन कर दो, पे कर दो, और ये आपका पे हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, जितने टाइम में आप जेब में हाथ डाल के पर्स जितने टाइम में आप जेब में हाथ डाल के पर्स निकाल के पेमेंट करोगे उससे भी ज़्यादा सिंपल है ये पेटीएम से पेमेंट करना, और बहुत ही फास्ट है। तो ये मैसेज भी आ गया। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और पेटीएम से बैंक में कैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फ्रीचार्ज से कैसे आपको बैंक के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।